हेलो दोस्तों, मनमीत किचन में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि सर्दियां चल रही हैं और कैरेट काफ़ी सीजनेबल वेजिटेबल है, तो आज हम एक बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी देखेंगे जो कि है कैरेट केक। जी हाँ, इसमें मैंने गाजर डाली है और ये काफ़ी यूनिक रेसिपी है। मैंने इसमें क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग करी है, अपने केक को लेयर्स में डिवाइड करके उसके अंदर मैंने फ्रॉस्टिंग की है। काफ़ी यूनिक डिश है, इसके अपने फ्लेवर्स हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये केक का एक हेल्दियर वर्जन है आप कह सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे बनानी है ये डिश। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं मेरे चैनल के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे वॉलनट्स लिए हैं, ऑयल लिया है 60 ग्राम, गाजर ली है 340 ग्राम, मैंने उसे ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैंने ब्राउन शुगर ली है 160 ग्राम, मैदा मैंने 250 ग्राम्स लिया है। उसके बाद हम लेंगे वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो चलिए फिर इस केक का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने अंडे एक एक करके अपने बोल में ऐड करेंगे और उसे अच्छे से विस्क करेंगे हम। इस केक की रेसिपी में मैंने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है जो अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर मैंने एक हैंड विस्क का ही यूज़ किया है। तो हम अच्छे से अपने अंडों को फेंट लेंगे। उसके बाद हम उसमें अपनी शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ये शुगर जो है ये खांड, इसको कहते हैं, मैंने खांड यूज़ की है। यहाँ पर ये जो शुगर है मैंने खांड ली है, ये नॉर्मल शुगर नहीं है, ये काफ़ी हेल्दियर वर्जन होता है शुगर का। ये ब्राउन शुगर भी नहीं है, तो अगर आपको पता हो खांड तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अपना ऑयल डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है हमारा बैटर। इसमें हम थोड़ा सा वनीला डाल देंगे। अब हम चलेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ मैंने अपना मैदा डाल दिया है। अब मैंने जो थोड़ा सा मैदा था उसके साथ एक दालचीनी का टुकड़ा और हाफ नटमेग लिया है। सिंस हमें इनका पाउडर नहीं मिल पाता तो मैं क्या करूँगी, इसे मैदे के साथ पीस लूँगी और फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये मैदा भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए मैदे में और कोई भी लम्ब्स ना रह जाएं। अब आप देख सकते हैं जो दालचीनी और नटमेग हमने पीसा था उसके छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, तो हम इसे भी अपने बैटर में डाल देंगे। इसके बहुत ही एक अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो नटमेग अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम अपनी कैरेट लेंगे और उसे नाइस ड्राई बैटर में डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो गाजर है वो आपस में चिपकी चिपकी नहीं होगी,
जिसकी वजह से हमारा जो केक है ना काफ़ी अच्छा बनेगा, नहीं तो हमारा केक बहुत गुई गुई सा बनेगा और उतना मज़ा नहीं आएगा। तो हम कैरेट को अच्छे से पहले मैदे में मिलाएंगे और फिर उसे अपने वेट बैटर में मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर चॉप वॉलनट्स ऐड कर दिए हैं, मैंने वॉलनट्स को हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे पे और फिर उसे चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इस ड्राई बैटर को वेट बैटर में मिक्स कर देंगे और अच्छे से अपने बैटर को मिला लेंगे। हमें ये बैटर मिक्स करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ पर मुझे अपना बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है। अगर आपके कैरेट्स में ज़्यादा मॉइस्चर है तो आपको शायद मिल्क की ज़रूरत ना पड़े। हम एक स्पैचुला लेंगे और अच्छे से अपने बैटर को मिक्स कर लेंगे और फिर इसे केक टिन में डालेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से मैं मिक्स कर रही हूँ बैटर को, तो केक बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा और एक ही डायरेक्शन में अपना हैंड मूव करें। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक हार्ट शेप कंटेनर लिया है, सिंस न्यू ईयर का टाइम है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो ये केक बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। अब हम इसे क्या करेंगे कि ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया था, उसके बाद हम अपना बैटर इसमें ऐड करेंगे। अब अपने बैटर को अच्छे से लेवल कर देंगे हम, ज़रूरत पड़े तो इसे एक बार टैप ज़रूर करें ताकि एयर निकल जाए, जो भी एक्स्ट्रा एयर है। फिर हम इसे बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए 170 डिग्रीज पे। मेरा ओवन प्री हीटेड था। अब आप देख सकते हैं केक अच्छे से बेक हो चुका है, काफ़ी अच्छा राइज हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है कि अच्छे से ठंडा करना है। मेरे से अक्सर वेट नहीं होता है लेकिन मैंने इस बार थोड़ा और वेट किया था इसका ठंडा होने के लिए, तो मैंने एक कपड़ा रख दिया है ऊपर। तब तक हम क्या करेंगे ना, मैं आज इसकी लेयरिंग करूँगी। आप इस केक को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप लेयरिंग करके प्रॉपर क्रीम की फ्रॉस्टिंग करके वैसे भी खा सकते हैं। जो मैं आज फ्रॉस्टिंग दिखाऊंगी काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा उसका, तो आप ये प्रोसेस ज़रूर देखें। ये हमारा केक रेडी है। पहले तो हम इस केक को क्या करेंगे कि ऊपर से लेवल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट करके अलग कर दिया है। अब हम अपने केक को बीच से डिवाइड करेंगे। हम इसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स बना रहे हैं तो मैं बीच से हाफ कर लूँगी और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो ये मैंने डिवाइड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये केक। थोड़ा गर्म है अभी भी, इसमें से धुआं निकल रहा है, हम इसे ठंडा कर लेंगे। तब तक हम अपनी फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं। अब फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने एक बोल लिया है, हम उसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। क्रीम चीज़ मैंने यहाँ पर 230 ग्राम ली है और उसमें हम थोड़ा सा बटर जो कि रूम टेम्परेचर पे है 30 ग्राम्स बटर ऐड करेंगे। अब हमें इस क्रीम और बटर के मिक्सचर को अच्छे से विस्क करना है, तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक विस्क यूज़ किया है। आप चाहे तो हैंड विस्क से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। एकदम लाइट और फ्लफी हो जाएगी हमारी क्रीम, आप ऑब्जर्व करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर ली है 80 ग्राम्स, उसको बैचेस में ऐड किया है अपनी फ्रॉस्टिंग में, उसे भी अच्छे से विस्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा लेमन। आप चाहें तो लेमन अवॉइड कर सकते हैं।
तो हमने सारी शुगर अपनी क्रीम में डिसॉल्व कर दी है, हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी है। अब हम चलते हैं अपने केक की तरफ। काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है केक, हम अपने सरफेस को क्लीन करेंगे, उस पर फर्स्ट लेयर रखेंगे केक की, अपनी आइसिंग लगाएंगे या फिर आप फ्रॉस्टिंग कह सकते हैं। इसे अच्छे से स्प्रेड करके हम अपनी सेकेंड लेयर रखेंगे। जो इसकी डेकोरेशन है ये भी काफ़ी इजी प्रोसेस है, जो नए लोग केक बनाना सीख रहे हैं वो ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मेरा भी हाथ उतना बैठा नहीं है अभी केक्स पे। जो इसकी आइसिंग होती है वो एक टफ़ पार्ट होता है। केक बनाना इजी है पर आइसिंग थोड़ा टफ़ पार्ट है, तो आप जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से कर पाएंगे। अब मैंने सेकेंड लेयर रख दी थी केक की, उसे उल्टा करके रखा था, और अब हम अपनी जो फ्रॉस्टिंग है या आइसिंग है उसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से केक पे। एक थिन लेयर स्प्रेड कर देंगे, पूरे केक को कवर करना है हमें बेसिकली। और उसके बाद हम इस फ्रॉस्टिंग के ऊपर अपने वॉलनट्स लगाएंगे, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। आप आगे का प्रोसेस देखिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी एक थिन लेयर स्प्रेड कर रही हूँ केक पे। उसके बाद हम इसके एजेस पे और टॉप पे वॉलनट्स, चॉप्ड वॉलनट्स स्प्रेड करेंगे, बहुत ही अच्छी लुक देंगे। और वॉलनट्स और कैरेट का आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो ये कैरेट केक जो है आप वॉलनट कैरेट केक भी कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। आप इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद सर्व करें। अब हम क्या करेंगे ना, अपने चॉप्ड वॉलनट सारे एजेस पे भी ऐड कर देंगे, उससे एक बहुत यूनिक लुक आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर टॉप पे कुछ चॉकलेट्स सर्व की हैं, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। तो ये हमारा केक रेडी है, आप इसको फ्रिज में रखें 2 घंटे के लिए, इसको सेट होने दें और उसके बाद सर्व करें। एक बड़ा सा पीस काटें और देखें आपकी इसका टेस्ट कितना अच्छा है। बहुत ही एक यूनिक रेसिपी है, हेल्दियर वर्जन है हमारे नॉर्मल केक का, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें अपने लव्ड वंस के लिए। इस वैलेंटाइंस डे पे ज़रूर बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी गाइज़।